अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर से। तो पहले हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। a11 का मतलब क्या होगा? इस कॉलम, इस रो को स्किप करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट आएगा यानी 3501, तो ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस का 5 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर a12 यानी सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, तो इसको जब हम स्किप करेंगे तो जो बचेगा वो आएगा 2 5 −2 1। एक चीज यहां पे डिटरमिनेंट तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका साइन भी बदल जाता है। जब अगर इनका सम ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो साइन सेम रहेगा। तो यहां पे 1 2 है तो इसका मतलब ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब a13 1 + 3 प्लस है तो इसका मतलब साइन प्लस का ही रहेगा। 1 + 3 इवन है ना, इवन पर साइन प्लस का रहता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा? 2 3 − 2 0, और इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 2 = 6 माइनस एक ये है एक फार्मूले वाला, तो ये आ जाएगा 6। ये क्या आ जाएगा? 2 1 = 2 और ये माइनस का है, लेकिन जब साइन उसका, चलो देखो, माइनस 2 1 = 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10, ये आ जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा a13। अब देखते हैं हम a21 क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस रो को और इस कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा? −1 2 0 1 और साइन आएगा माइनस का, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा −1 और माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा। a22 इस रो इस कॉलम को स्किप करेंगे तो ये आएगा 1 2 −2 1 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 2 2 = 4 यानी प्लस का 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद में देखेंगे a23 है तो साइन माइनस का आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम तो क्या बचेगा? 1 −1 −2 0, ये 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूले वाला माइनस, पहले तो ये माइनस बाहर वाला, फिर ये 0, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 आएगा और फार्मूले वाला माइनस, तो ये आएगा −2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2। a23 हो गया। अब हम देखेंगे a31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा यहां पे? −1 2 3 5 और इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये −5 ही आ जाएगा। 3 2 = 6 तो −6, ये आ जाएगा −11। अब निकालेंगे 3 2 है तो यहां पे 2 + 3 यानी 5, तो साइन माइनस का आएगा। डिटरमिनेंट लिखेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा 1 2 2 5, 5 1 = 5 तो 5 आ जाएगा, 2 2 = 4 −4, 5 में से 4 गया 1 तो −1 आ जाएगा। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 −1 2 3, 3 1 = 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 = 2 तो 3 + 2 = 5, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जो है वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा हमारा? देखो, जो इसमें रो है वो कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज पहले लिख लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23
A31, A32, A33, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, A11 हमारा क्या है 3, A21 क्या है 1, A31 है -11, ठीक है। उसके बाद ये हो गया -12 और ये 5, ये -1, ये 6 2 5, ये हमारा आ जाएगा। यही हमारा ट्रांसपोज पूछ, एडजॉइंट पूछ रहा था तो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।